हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग रूल्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था और हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल हम समझेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग क्या होती है, और बैलेंसिंग को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स को गो थ्रू करना होगा, वो ही हम यहाँ पर आज की क्लास से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग के रूल्स क्या होंगे? सबसे पहला रूल्स होगा बैलेंस पॉली एटमिक आयंस। अब पॉली एटमिक आयंस इफ एग्जिस्ट, इन बोथ साइड। अब पॉली एटमिक होते क्या हैं? जैसे कि आपके SO2, SO3 या फिर SO2, SO4, -2, -2, -2। ठीक है, ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पॉली एटमिक के, OH नेगेटिव, NH4 ये पॉजिटिव वन है। ठीक है, और इसी तरह ही नेगेटिव वन। ठीक है, तो ये ऐसे और भी हो सकते हैं, फिलहाल आप यहाँ तक समझिएगा। ये हैं आपके कुछ एग्जांपल ऑफ पॉलीटमिक आयंस। पॉलीटमिक आयंस बेसिकली क्या है? यहाँ पर आपका एक और दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके एक चार्ज कंटेन करते हैं, एक चार्ज रखते हैं अपने पास, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ने, एक ने पॉजिटिव एक ने नेगेटिव रखा और बॉन्ड बनाया, वो तो आयनिक कंपाउंड बन गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीएटमिक आयंस की। पॉलीएटमिक आयंस क्या करते हैं? वो कंबाइन तो हो गए, स्टिल उनके ऊपर एक और चार्ज एक्टिव है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसको डिटेल में इसके लिए एक वीडियो जरूर बना देंगे आपको समझने के लिए। तो बैलेंस पॉलीएटमिक आयंस ये पहला रूल रहेगा, फिर आएगा बैलेंस मेटल, देन थर्ड होगा बैलेंस नॉन मेटल। अब नॉन मेटल तो बहुत सी हैं, लेकिन अगर उस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको मिल जाए, उनको करना है लास्ट में बैलेंस। ठीक है, मैं लिख देता हूं एट लास्ट। ठीक है, चलिए लिखा हुआ। नेक्स्ट है फिर नो फ्रैक्शन शुड बी एग्जिस्ट इन फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन जैसे कि 2/3, 4/7, ठीक है, या 2/7 ऑड इवन का केस है, एक्सेट्रा, और भी ऐसे नहीं आना चाहिए कि आपके इक्वेशन के अंदर सारे एलिमेंट बैलेंस हैं, लेकिन लास्ट में आकर के आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जहां पर आपका एक ऑड है, एक इवन है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे पास चार, जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है बैलेंस पॉलीएटमिक आयंस, बैलेंस मेटल, बैलेंस नॉन मेटल्स, वो भी कौन से, अगर नॉन मेटल की लिस्ट में अगर आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहे हैं तो उनको लास्ट में कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका थोड़ा तेजी से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है, टाइम टेकिंग कम है ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर नो फ्रैक्शन शुड बी एग्जिस्ट इन द फाइनल इक्वेशन। अब हम कुछ इक्वेशन को पिक करते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम पॉलीएटमिक को ही लेते हैं आज एग्जांपल, कि उसमें कैसे आप करेंगे। तो मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वस, चलिए स्टेट नहीं लिखते छोड़िए, प्लस सोडियम सल्फेट, देन बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप इक्वेशन को देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों साइड एक पॉलीएटमिक है? बिल्कुल है।
सर है ना ये वाला, ये दोनों साइड एग्जिस्ट कर, अगर एक ही साइड होता तो हम इसको ब्रेक कर देते, इसकी सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग, लेकिन अभी हम क्या करेंगे इसको एक साथ ही करेंगे क्योंकि एक ही बारी में आपके दोनों एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। तो ये होगी आपकी पूरी रिएक्टेंट साइड और ये पूरी है आपकी प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो जैसे कि हम नॉर्मली करके दिखाते हैं, पहले हम वैसे ही करेंगे, फिर आपको एक तेज़ी से करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है। पहला वो बेसिक पैटर्न हो गया हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहला हो गया आपका SO4, फिर है मेटल बेरियम, फिर है सोडियम, फिर है क्लोरीन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इक्वेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी सल्फेट एक है तो वहाँ भी एक है, नेक्स्ट बेरियम एक है वहाँ भी एक है, नेक्स्ट सोडियम कितना है एक है, नहीं सोडियम दो है वहाँ पर एक है, क्लोरीन यहाँ पर कितना एक है वहाँ पर एक है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आप क्या करें, ये देखिए हाँ क्लोरीन, अब इक्वेशन सही हो गई है, यहाँ पे क्लोरीन दो सोडियम दो और वहाँ पे वन वन, तो आपको उनको बैलेंस करना होगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा सा एक नंबर प्लेस कर देंगे फ्रंट पे यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों भी क्या हो गए आपके टू टू हो गए, क्लियर हुआ। तो देखो कितना ईजी हो गया। अब आप ऐसे करते कि सल्फर को अलग ऑक्सीजन को अलग फिर ऑक्सीजन, ऐसे नहीं। पॉलिटमिक की खासियत यही है कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को थोड़ा और जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ कर लिया पिक। अगर इसके सिवा और कोई ऑक्सीजन होती इक्वेशन के अंदर तो उसको आप सेपरेटली लिखते, आपने इसको अलग से पूरा लिख लिया। अब इसके अलावा और कोई ऑक्सीजन होती तो आप उसको जरूर लिखते, ठीक है, ऐसा नहीं करते कि आपने सिर्फ ऑक्सीजन यही पिक की है, ये तो पूरा एक पॉलिटमिक आपने पिक कर ही लिया है सल्फेट, ठीक है। चलिए पॉलिटमिक एक और मैं आपको पॉलिटमिक देता हूं यहां पर, चलिए देखिए और बैलेंस करके बताइए मुझे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सल्फेट आपका शो हो रहा है सर, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो सल्फेट वन वन है, ठीक है, छोड़ दिया, कैल्शियम वन है, कैल्शियम भी, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन के अंदर इक्वेशन के अंदर और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ है ये को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हाइड्रोजन कितनी है रिएक्टेंट साइड, टू एंड टू फोर, फोर कर दीजिए, सॉरी टू कर दीजिए, टू इंटू टू फोर, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिर्फ कितनी है यहां पे टू, तो हो तो गई आपकी टू, इक्वेशन हो गई बैलेंस। कितना टाइम लगा मुझे इसको बैलेंस करने में, अब मैं इक्वल इक्वल इसको भी ब्रेक करता इसको भी ब्रेक करता तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। मैंने सीधा देखा हाँ जी सल्फेट सल्फेट सिंगल सिंगल, कैल्शियम कैल्शियम सिंगल सिंगल, ठीक है, अब सीधा हाइड्रोजन पे आ जाइए, हाइड्रोजन के आगे सीधा टू प्लेस किया, सीधा फिर देखा ऑक्सीजन भी आपका ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपने पॉलिटमिक भी देख लिया, हमने देखा कि हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, फिर हम बैलेंस करते हैं मेटल को, फिर हमने देखा हम नॉन मेटल को भी बैलेंस करते हैं। अब हम पिक करते हैं एक ऐसी इक्वेशन जो कि फ्रैक्शन को डिनोट करती है, ठीक है, फ्रैक्शन से कैसे, इससे पहले मैं फ्रैक्शन पे जाऊँ मैं आपको दूंगा कुछ आपको कुछ होमवर्क जो कि आप मुझे कमेंट में देखे बताएंगे। कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, लेड
नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये दो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट में इनको लिख करके बताएंगे कि बैलेंसिंग क्या होगा। सिर्फ नंबर लिख देना, ठीक है, कि कितना कहाँ आना है, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन भी। आप पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन की इक्वेशन को समझते हैं कि वो फ्रैक्शन कैसे बताता है। C4H10 प्लस O2 देन CO2 प्लस H2O। ध्यान से देखिए, अब मैं इक्वेशन को नॉर्मली बैलेंस करता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो कार्बन यहां पे 4 है तो मैंने यहां भी 4 कर दिया, हाइड्रोजन यहां पे 10 है तो 5 से इंटू कर दिया 2 को, ठीक है 10। अब ऑक्सीजन यहां पे 2 है और वहां पे 13 है, देख लीजिए 8 and 5 13। तो अब देखिए दोनों एलिमेंट मेरे बैलेंस है, दोनों एलिमेंट मेरे बैलेंस है, मेटल कोई है नहीं, पॉलीएटमिक कोई है नहीं, तो सीधा क्या करा हमने, नॉन मेटल से पिक किया, कार्बन को लिया पहले, फिर हाइड्रोजन को लिया, फिर ऑक्सीजन को देखा, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो रहा है 2/13। ये तो ऑर्डर का केस है और फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन को ऐसे बैलेंस नहीं करते हैं, फ्रैक्शन के लिए अलग से हम क्या करते हैं, जहाँ पे ग्रेटर नंबर है जैसे 13 को ले जाइए आप लोएस्ट नंबर के पास, कहाँ पर, यहाँ पर 13। अब 13 को यहाँ पे ले गए 13/2, अब 2 को इस पूरी इक्वेशन से इंटू कर दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप, इस 2 को इस पूरी इक्वेशन से इंटू कर दीजिए। अब तो नई इक्वेशन आपके पास बनेगी, वो कुछ ये होगी, यहां पर छोड़ देना बस, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आपने ग्रेटर नंबर प्लेस कर लिया है, अब आप देखेंगे कि मेरे पास हर एक एलिमेंट जो है वो बैलेंस है। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो कार्बन 8 है तो बिल्कुल वहां भी 8 है, हाइड्रोजन 20 तो वहां पर भी 20 है, वहां भी 20 है, ऑक्सीजन 26 तो यहां भी 26, कैसे 16 + 10 = 26। अब आप ऊपर अगर इक्वेशन में देखते, अगर मैं ये पैटर्न फॉलो नहीं करता तो इन नंबर्स को आप इतना ही घुमाते रहते, कितना ही घुमाते रहते, ये बैलेंस होता ही नहीं, ये ऐसे बैलेंस होता ही नहीं, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका यही है, फ्रैक्शनल बैलेंसिंग को तरीका यही है कि जहां पर आपको लोएस्ट नंबर मिलता है उस लोएस्ट नंबर को लेके जाइए, पूरी क्वेश्चन से इंटू कर दीजिए, और ग्रेटर नंबर की जगह छोड़ करके, क्योंकि ग्रेटर नंबर आपने लोएस्ट नंबर के पास से इंटू करा दिया, ठीक है, अब हर एक एलिमेंट आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं, क्लियर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पर, इसको आप करके दिखाइएगा, ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करके दिखाइएगा, ठीक है, ये आपका कमेंट बॉक्स में आप इसको बैलेंस करके बताइएगा कि बेसिकली आपके हाइड्रोजन और CO2 के जब कितने नंबर आना चाहिए और यहाँ पे कितने नंबर आने चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में देख के बताएंगे, ठीक है।